नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सीआईईटी एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव कार्यक्रम में, जिसे आप देख सकते हैं स्वयं प्रभा के किशोर मंच चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी। आपके साथ मैं हूं रक्षित थपलियाल, और मुझे पता है कि हम जो भी बातें यहाँ करते हैं, जो भी सीखते हैं जानते हैं, वो सब आपके मन में कई सवाल पैदा करता होगा। तो वो सवाल आप हम तक कई तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है हमारे निशुल्क फोन नंबर्स 1-800-111-265 और 1-800-112-199। ईमेल एड्रेस है हमारा ciet.kishormanch@gmail.com, जहां आप अपनी चिट्ठियां, अपने चित्र, अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं, और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आपसे पूछते हैं वो कार्य करके, वो होमवर्क करके आप हमें भेज सकते हैं। और लाइव इंटरेक्शन के लिए आप हमारे YouTube लाइव वीडियोस के नीचे चल रही लाइव चैट का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपने दूसरे साथियों और दोस्तों से जुड़ करके उस डिस्कशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के सेशन की। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? भाई, मुझे ऐसा पता चला है कि किसी ने कुछ लिखा है, और जाने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये मुझे नहीं पता। तो इस सब के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर उषा शर्मा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित। तो मैम, ये क्या विषय है, किसने क्या लिख दिया है? रक्षित, दरअसल ये व्यूवर्स चॉइस है। हमने पिछली बार जब एक चिट्ठी की बात शुरू की थी तो व्यूवर्स की डिमांड थी कि आप हमें राइटिंग पर कुछ बताइए, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है, हम अगले हफ्ते राइटिंग के बारे में, या बच्चे लिखते कैसे हैं, लिखना कैसे शुरू करते हैं, बच्चे जब लिखने के प्रोसेस में होते हैं तो किस किस तरह के बिहेवियर शो करते हैं, तो हम आज राइटिंग के बारे में, यानी कि बच्चे लिखना कैसे सीखते हैं, इसके बारे में शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं अच्छा, अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ, अपना वादा निभा रही हूँ। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है कि मैंने कुछ लिखा है, इस शीर्षक के तहत हम बच्चों की राइटिंग पर बात करेंगे। और मैंने कुछ लिखा है, ये शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कहता है रक्षित। एक तो ये है कि मैंने लिखा है, और दूसरा मैंने लिखा है, यानी कि इसमें जो लर्नर है, जो राइटर है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैंने लिखा है, और कुछ लिखा है तो उसका लिखना भी जरूरी है। तो अगर हम शीर्षक पर ध्यान देंगे कि मैंने कुछ लिखा है, तो ये बताता है कि राइटर या जो बच्चे हैं जो लिखना सीख रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है, और उनमें अगर ये जज्बा आ जाए कि वे भी बड़ों की तरह लिख सकते हैं, या वे भी राइटर हैं इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में वे भी राइटर हैं, तो इससे एक तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, वे लिखना सीखने के प्रोसेस में भी आगे बढ़ते हैं। तो जी इसलिए मैंने अपना वादा पूरा निभाया, और आज का जो पूरा प्रोग्राम रहेगा, पूरे 1 घंटे की बातचीत रहेगी, वो व्यूअर्स चॉइस की पर है। मैम, लेकिन अक्सर हमें मैसेज आते हैं, पिछले सेशन में भी ये मैसेज आया था हमें, आप ही के साथ जब बात चल रही थी, कि हम चाहते हैं कि बच्चा लिखे, हमारा बच्चा लिखता नहीं है, और लिखता है तो लिखने की जगह कुछ बना के ले आता है, हमें समझ नहीं आता कि वो क्या लिखना चाहता है, उसको लिखने के लिए कैसे प्रेरित करें, और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हमारे पास में आ जाती हैं। जो सवाल उस समय आ रहे थे वो अमूमन सब इसी से जुड़े हुए थे कि लिखना क्या है और बच्चों को कैसे उसे बताया जाए। देखिए, जब हम लिखना की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे मन में जो बात है, जो फीलिंग्स हैं, या ऐसी चीजें जो हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, यानी कि कुछ बताना चाहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम अपने मन की बात को बोलकर बताएं, जैसे व्यूअर्स चॉइस है, ये मेरे मन की बात है, मैंने अपना वादा निभाया, ये मेरे मन की बात है और इसे मैंने बोलकर कहा है। ठीक यही मन की बात, यही फीलिंग्स, यही अनुभव, या जो हम कुछ साझा करना चाहते हैं, इसे हम मौखिक भाषा के अतिरिक्त किसी एक दूसरे माध्यम से भी कहना चाहते हैं, तो राइटिंग उसका एक माध्यम बनता है। यानी कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो आपकी ध्वनियां हैं, वे जब कागज पर उतरती हैं तो वो एक राइटिंग का प्रोसेस कहलाती है। तो बच्चे जब कुछ कागज पर उकेरते हैं तो वह भी लिखना है। तो लिखना दरअसल एक तरह की बातचीत है, जिसमें हम किसी भी भाषा की, या जिस भाषा को बच्चे बोलते हैं, या हमारी जो मातृभाषा है जिसे हम बोलते हैं और सहज भाव से बोलते हैं, उसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं, उसके लिपि चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, जी कुछ रेखाएं खींचते हैं, कुछ गोले गोले बनाते हैं। तो यहाँ से लेखन का जो प्रोसेस है वह शुरू हो जाता है। तो लिखना सीखने की प्रक्रिया
के बारे में ये जानना बहुत जरूरी होगा कि बच्चे, जरूरी नहीं है कि अ आ ई ए बी सी डी लिखेंगे तब राइटिंग स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है। बच्चे के हाथ पे जब कलम आई, जब कलर आया, चाहे कागज था या घर की दीवार थी या दरवाजों के पीछे के जो कोने हैं जिसमें बच्चे बहुत बारीकी से कुछ कुछ बनाते रहते हैं, जी दरअसल राइटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब फर्क यह है कि हम बड़े उसका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन बच्चों के लिए तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसका अर्थ है, और वह अर्थ बच्चे समझते हैं, लेकिन हम बड़े नहीं समझ पाते। जबकि जी हम बड़े बच्चों से अक्सर कहते रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, समझ लो। दरअसल लक्ष्य समझना बड़ों को है। बच्चे ने तो जी अपने हिस्से का काम कर दिया है कि उसने कुछ गोला बनाया, कुछ रेखाएं बनाई, कुछ स्क्रिबलिंग की, तो राइटिंग प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे हम रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग और राइटिंग या लैंग्वेज का कोई भी स्किल हो या हमारे खुद के अपने काम क्यों ना हो, उन सब पे अर्थ रहता है। मैम, उन हम सीखते हैं लिखना जी चित्रों और बताइए चिन्हों से बच्चों की तरह, जैसे दीवार पे कुछ उकेरते हैं, जी आपने बताया, लेकिन वो कोई अक्षर नहीं होता है। हम बड़े होकर लिपियों में लिखना जी सीखते हैं, और जब लिखने की प्रैक्टिस को हम बिल्कुल सीखते हैं बड़े होकर के, तो हम जाकर के हिस्ट्री में कि इजिप्ट में कैसे लिखा जाता था, हड़प्पा में कैसे लिखा जाता था, उन्हीं चिन्हों पर वापस घूम करके आ जाते हैं। तो भाषा एक फुल सर्कल यहाँ पर ले लेती है। मैम, इससे जुड़ा एक मैसेज हमारे पास में ये आया है कि बच्चे सिर्फ कई बार चित्रों से लिखते हैं, चित्रों से बात करते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके भाषा की तरफ कैसे लाया जाए, लिखना कैसे सीखते हैं बच्चे? जी। अगर मान लीजिए कि बच्चे ने कोई चित्र बनाया है, उसने गोला बनाया, गोले के अंदर दो डॉट्स बनाए हैं या गोले के अंदर कोई आकृति बनाई है, बच्चे अगर ऐसा कुछ बना रहे हैं तो ये मान के चलिए कि बच्चे के जहन में, बच्चे के मस्तिष्क में कुछ ना कुछ बात है जिसे अभी वे लिपि चिन्हों की से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन उसने जो भी उसने देखा है अपने आसपास, अगर मान लीजिए कि उसने चांद गोल देखा है तो गोल चांद बनाने की कोशिश करेगा, अगर उसने तारे देखे हैं तो वह तारों की शेप बनाने की कोशिश करेगा, और उसने अगर अपना घर देखा है, रसोई देखी है, थाली देखी है, गिलास देखा है, कढ़ाई देखी है, जूते देखे हैं, चप्पल देखे हैं, चूहा देखा है, बिल्ली देखी है, तो वे इन सबको अपनी तरह से गढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखना सीखने के प्रोसेस में ये सब चीजें जो बच्चा गढ़ रहा है, जरूरी नहीं है कि हूबहू वैसे ही आए, लेकिन हम समझ जाएंगे कि बच्चा ये बनाने की कोशिश कर रहा है। और बड़े भी इसे आजमा के देख सकते हैं, वे सत्र के बाद चूहा हाथी बिल्ली बना कर देखे, चूहा वो रोज देखते होंगे, बिल्ली अक्सर उनके घर आती होगी, या फिर अपना घर या फिर मेज या कुर्सी, कुछ भी बना के देखे क्या वैसा है। तो बच्चे भी इस लिखना सीखने के प्रोसेस में ये सब चीजें, आकृतियां उकेरते हैं कागज पर। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि बच्चे ने जो बनाया है, कागज पे बनाया है, दीवार पे बनाया है, दरवाजे के पीछे बनाया है या फर्श पे बनाया है, तो उसे डांटे नहीं। पहली बात तो ये कि लो तुमने दीवार खराब कर दी। अगर जी हमने उसे डांटा तो हम उसे हतोत्साहित कर देंगे, उसका मनोबल टूट जाएगा कि मेरे कुछ करने पर माँ पिताजी हमेशा डांटते हैं। बच्चे से बातचीत कीजिए कि अच्छा बेटा आपने क्या बनाया है, तो बच्चे ने जो बनाया है वो बताएगा आपको कि मैंने ये बनाया है। अच्छा ये तो फिर ये सूरज बनाया है या ये बिल्ली बनाई है, जिस बिल्ली की पूंछ का है, तो वो एक छोटे से डॉट की तरफ इशारा कर सकता है कि देखिए ये रही पूंछ। अब बिल्ली की पूंछ अगर इतनी लंबी है और उसने इतनी सी पूंछ बनाई है तो उसे पूंछ मानिए, तो बच्चे ने जो उसे रिप्रेजेंट किया है, तो रिप्रेजेंटेशन में और हूबहू बनाने में फर्क होता है। तो बच्चे ने जो जी बनाया है उसे आप अप्रिशिएट कीजिए, उसके बारे में खूब बातचीत कीजिए, और फिर बच्चे से कहिए अच्छा ये मैं लिख दूं, तो बच्चा कहेगा ठीक है लिख दीजिए। तो बच्चे ने मान लीजिए कि चूहा बनाया है, और आप बड़े व्यक्ति ने या माता पिता भाई बहन जो भी है घर में, तो उन्होंने नीचे लिख दिया चूहा। ठीक, अब इसके बाद हम कहेंगे अच्छा इसे आप पढ़िए क्या लिखा है, तो हम जब बड़े लिख रहे हैं चूहा तो उंगली रखकर उसे पढ़ेंगे, और बच्चा देख रहा है कि जो चूहा की आवाज है और जो चूहा कि आकृति बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है। बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। तो आपने लिखा चूहा और बच्चे से कहा कि अच्छा ठीक है अब आप भी अपने बनाए हुए चूहे के नीचे उसका नाम लिख दीजिए, तो जी बच्चा आपके देखे हुए को कॉपी करके लिखेगा चूहा। तो धीरे धीरे बच्चे ये समझना शुरू हो जाते हैं कि जो कुछ बोल रहे हैं लिखा जाता है, और जो ध्वनियां हैं, जो आवाज है, जो शब्द है या जो किसी का नाम है, वो इस तरह से लिखा जाता है। कुछ
कुछ समय बाद आप लक्ष्य देखेंगे, बच्चे जाएंगे कि मेरा नाम कैसे लिखा जाता है, तो ये क्यूरियोसिटी उनमें डेवलप हो जाती है, अच्छा मेरा नाम कैसे लिखा जाता है, अगर चूहे का नाम चूहा है तो मेरा नाम क्या है, रक्षित, तो रक्षित कैसे लिखा जाता है। तो फिर रक्षित ने अपनी बहन से कहा कि आप मेरा नाम लिख दीजिए, तो फिर उषा दीदी ने रक्षित भैया का नाम लिखा रक्षित, और उसे उंगली रखकर पढ़ा और फिर कहा रक्षित भैया अब आप अपना नाम लिखिए, तो रक्षित ने हूबहू कॉपी किया। तो ये जो कॉपी करना है ये दरअसल नकल नहीं है, ये एक बहुत ही मीनिंगफुल एक्टिविटी है। बोर्ड पर क म च ए बी सी डी लिखा हो ये देखकर उतारना, और जब इस प्रोसेस से हम कुछ शब्द लिखते हैं उसे कॉपी करना, ये दोनों में फर्क है। तो धीरे धीरे बच्चे समझ जाएंगे कि हम जो कहना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं, या हमारे आसपास की जो दुनिया है वह रेखाओं और गोले में भी है और किरण कांटों में है, जिसे हम स्क्रिबलिंग कहते हैं, और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चे धीरे धीरे ये बिहेवियर अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, या मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा शब्दों का एक्वायर करते हैं। तो जैसे जैसे हमने बोलना सीखा है वैसे वैसे हम लिखना भी सीख जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ये पॉसिबल है। और जब बच्चे किरण कांटे बनाते हैं या स्क्रिबलिंग करते हैं या कुछ गोले और रेखाएं बनाते हैं, तो दरअसल ये लिखना सीखने के प्रोसेस का एक हिस्सा है। ये प्रोसेस आएगा ही आएगा, इस प्रोसेस के बिना हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये आएगा, हाँ ये अलग बात है कि जिन बच्चों के घर में पढ़ने लिखने का माहौल है ये प्रोसेस जल्दी आएगा, जल्दी समाप्त होकर हम शब्दों और वाक्यों की तरफ आ जाएंगे। और जिन घरों में जिन समाजों में पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है या बच्चे अपने आसपास कहीं लिखा हुआ नहीं देखते हैं ज्यादा, ये धीरे धीरे बाद में एक्वायर करते हैं। मैम एक बात यहाँ पे मेरे दिमाग में भी आई और अक्सर हमारे दर्शक भी पूछते हैं, खास करके जो टीचर्स होते हैं वो पूछते हैं, हमारे टीचर साथी जो हैं, कि बच्चे को अगर कोई शब्द जैसे हमने सिखाया, आपने अभी बताया चूहा, हमने च के नीचे उंगली रखी और बोला ये है चू और ह के नीचे हा, पर फिर भी बच्चा जब चूहा लिखना सीखता है वो मात्रा लिखना भूल जाता है और वो लिख देगा चहा या चह, तो ऐसी गलती को सुधारना कैसे कर सकते हैं, या ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? रक्षित ये गलती नहीं है, दरअसल ये लिखना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ये गलती नहीं कही जाएगी। और देखिए ये इसे हम कहते हैं इन्वेंटेड स्पेलिंग, यानी कि बच्चे जो लिखना सीख रहे हैं उस लिखना सीखने के प्रोसेस में अभी वो पूरी तरह से चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब बच्चे ने लिखा है उसने चहा भी लिखा, तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ये देखिए ये चूहा लिखा है तो बच्चे ने चहा लिखा, फिर बड़े के का क्या दायित्व है कि वह ये बताएगा कि अच्छा देखो आपने ऐसा लिखा है मैंने ऐसे लिखा है दोनों में क्या फर्क है। तो धीरे धीरे बच्चे इस फर्क को महसूस करना शुरू करेंगे और फिर लिखना सीख जाएंगे। जी तो मैम हमारे पास एक सवाल और भी आया है, अक्षरों को उल्टा सीधा लिखना, लेकिन उसके बारे में मुझे लगता है कि हम काफी बाद में बात करें तो ही ठीक होगा। बस मैं ये याद बनाए रखना चाहता हूँ कि हम इसके बारे में बात जरूर करें कि बच्चे कई बार अक्षरों को उल्टी दिशा में लिख देते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जो बच्चे को सीखने में, लिखना सीखने में मदद कर सकती हैं। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है लिखने की चाहत होना। बच्चे अगर ये महसूस करते हैं कि मुझे कुछ लिखना है, कलम मांगी या कलर मांगे या पेंसिल मांगी, और अगर उनके पास में कोई बड़ा व्यक्ति है जो बैठे हैं या बैठी हैं और वे लिख रहे हैं या लिख रही हैं, तो वो बच्चे कलम मांगे कि मुझे भी लिखना है, तो ये एक अच्छा साइन है कि बच्चे लिखना चाहते हैं। दूसरी बात जो बड़ों के लिए खतरनाक हो सकती है, बच्चे अक्सर वही पेन वही पेंसिल वही कलर मांगते हैं जिससे बड़े लिखते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि बच्चे के तो छोटे छोटे से हाथ है, जैसे छोटी सी पेंसिल दे दो, ये ठीक है कि उसके छोटे हाथों के हिसाब से या उतना वजन उठा पाएगा उसका हाथ या पेंसिल या जो भी है, तो हम बहुत छोटी पेंसिल बच्चे को देने की कतई भूल ना करें। यानी कि बच्चे की जो उम्र है उसके हिसाब से पेंसिल का साइज अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि पकड़ बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो आप बड़े जो टीचर्स हैं जो माता पिता हैं वो जरूर देखें कि बच्चा पेंसिल या पेन कैसे पकड़ता है। तो बच्चों को शुरू में तो पेन बिल्कुल मत दीजिए, आप उन्हें रंग दे सकते हैं और रंग थोड़े मोटे होंगे जिनकी मोटाई ज्यादा है तो वे ज्यादा अच्छे तरीके से उसे पकड़ पाएंगे। बहुत बारीक चीजों को पकड़ने में शुरू शुरू में बहुत थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनके फाइन मोटर्स उतने डेवलप नहीं होते हैं,
बच्चे ने कुछ उकेरना शुरू किया, तो आप देखिए कि उसके हाथ के मूवमेंट क्या है, ठीक है। उसकी हाथ की मूवमेंट अगर मान लीजिए कि लेफ्ट टू राइट है और टॉप टू बॉटम है, यानी कि जब हम देवनागरी लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यानी जी कि हमने लेफ्ट से शुरू किया और हम राइट पे गए। लेकिन जब हम उर्दू लिखते हैं, अरबी फारसी लिखते हैं, तो हम राइट से लेफ्ट को जाते हैं। तो अगर बच्चा लिखते समय या कुछ भी उकेरते समय ये प्रोसेस अपनाता है, तो ये साइन है कि बच्चा ये जानता है कि ये राइटिंग बिहेवियर है। तो एक अचीवमेंट तो यही है कि बच्चे जानते हैं कि ऐसे लेफ्ट टू राइट चला जाता है, ठीक है। जब हमारा एक पॉइंट पे आके बात खत्म हो जाती है या लिखना खत्म हो जाता है, तो बच्चा हाथ नीचे करता है। तो हाथ को नीचे लाने का मतलब है, ठीक है, हेलो हाँ जी, कि अगली रेखा में बच्चे जी को लिखना है ये उसको पता चलता है। मैम, जी और दूसरी बात ये है कि एक जी मैसेज भी बताइए। हमारे पास यहाँ आया है कि आपने जो एक बात कही उसके बारे में अनुमेहा बागरी जी ने एक मैसेज किया है कि जो बच्चा चित्र बनाता है दीवार पे, हम उसे एक जी कलाकार की तरह न देखें और ये सोचें कि बच्चे ने कोई भाषा लिखनी चाहिए। दूसरा मैसेज हमारे पास ये आया है मैम अनु जी का, कि अक्षर जब हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा च, बच्चा च बना ले रहा है, लेकिन उसके मन में च का चिन्ह जो है वो च की आवाज नहीं बन रहा है उसके दिमाग में। च लिखने पर च की आवाज वो नहीं करता है, चिन्ह को उस आवाज से नहीं जोड़ पाता है। इस समस्या का क्या कर सकते जी हैं? इस समस्या का समाधान रक्षित यही होगा कि हम जो कुछ बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसे बार बार लिखा हुआ दिखाएं। तो राइटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ध्वनि संकेत संबंध होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं साउंड सिंबल एसोसिएशन। जो कुछ हम बोल रहे हैं वह लिखा कैसे जाता है, ये हम लिखा हुआ उन्हें जरूर दिखाएंगे, और धीरे धीरे बच्चे उस शब्द की तरफ आ जाएंगे। तो चूहा पढ़ेंगे, अगर बच्चे ने चहा लिखा है तो हम उसे उंगली रखकर पढ़ाएंगे कि देखिए आपने ये चहा लिखा है, और हम क्या बोल रहे हैं, चूहा। तो बच्चा चूहा ही बोलेगा, वह चहा नहीं बोलेगा। तो जी हम अब हमने पढ़ा कि देखो आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है चहा, तो अब हमें लिखना है चूहा, तो इसमें क्या रह गया, तो देखिए ये मात्रा रह गई हमारी, तो ये आकृति बनाना रह गया। तो अब हमने जब ये आकृति लगा दी तो ये बन गया चूहा, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरह से जब हम लगातार बच्चों के साथ राइटिंग पे काम करते हैं, तो बच्चे ये ध्वनि संकेत संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और बाजार जाते हैं, तो वे अपने पसंद की चॉकलेट, अपनी पसंद के बिस्किट, अपनी पसंद की कोई भी चीज, वे जानते हैं कि ये सिर्फ चॉकलेट है, या फिर ये कैडबरीज की है, या ये फ्रूट और नट की है। मैं चॉकलेट नहीं खाती, सिर्फ मैं आपको नाम बता रही हूँ, तो ये ऐसी चॉकलेट है। तो बच्चे वहां पूरी पूरी बात समझते हैं, तो इसलिए बच्चों को बहुत छोटा समझकर उनके साथ अधूरी बात मत कीजिए। और ऐसा मत सोचिए कि बच्चे अभी लिखना नहीं जानते हैं या उन्हें भाषा के लिखित रूप की पहचान नहीं है, तो हम क ख ग सिखाएं या फिर बारह खड़ी सिखाएं। हम उनके साथ पूरे वाक्य इस्तेमाल करें, पूरी बात करें, क्योंकि पूरी वाक्य में पूरी बात है। तो धीरे धीरे बच्चे ये जानना शुरू कर लेंगे कि इन शब्दों को, इन वाक्यों को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज, चाहे वो टीचर है या हमारे पेरेंट्स है, उनमें धैर्य होना बहुत जरूरी है। तो जी मैम, धैर्य रखिए, बच्चे धीरे हाँ धीरे सीख जाएंगे। सहज पके सो मीठा हो। जी मैम, और अनुमेहा जी के लिए यहाँ पे और अनु जी के लिए इनको मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इनके सवाल के लिए, और साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह से सिखाने के तरीके ना काम करें तो एक खेल का तरीका भी है कि आप लिखें चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, और पूरा टंग ट्विस्टर लिखें, और उसमें आप उंगली से, जैसे मैम ने बताया, उंगली अक्षर के नीचे रख रख के अगर बताएंगी तो बच्चा पहचानेगा कि चंदू में च क्या है और द क्या है। प्रैक्टिस करने से, जैसे मैम ने कहा, सहज पके सो मीठा होए, और बच्चा उतने ही अच्छे से सीखेगा। और थोड़ा समय बच्चे को दीजिए, प्रैक्टिस दीजिए, और वो रंग जरूर आएगा। तो मैम, आज हम क्या देखेंगे भी कि बच्चे क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? जी रक्षित, हम आज जरूर देखेंगे कि बच्चे जब लिखना सीखना शुरू करते हैं तो वो क्या लिखते हैं। तो हम तैयार हैं, हाँ मैम, आज आपकी परीक्षा है और आप ऑनलाइन अच्छा परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है तो हम मैम, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। हमारे व्यूवर्स ये एक स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे होंगे, तो आप बताइए रक्षित ये क्या है। ये जो ये एक छोटे चित्र से दिख बच्चे रहा ने है, कुछ कागज पे उकेरा है, बताइए क्या है। मैम अगर मैं सिर तिरछा करके देखूं तो मुझे ये किसी तरह का पक्षी लग रहा है, और या कोई कीड़ा बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल गलत,
बड़े फेल हो गए। हाँ मैम फेल हो गए। देखिए, कोई ये सोच सकता है कि ये बच्चे ने बस बनाई है। बस आप बनाई सोच है। सकते हैं कि बच्चे ने बस, देखिए अच्छा मैंने शुरू में कहा था कि बच्चे अपने आसपास जो देखते हैं वे उसे उकेरने की कोशिश, भले वह हूबहू वैसा ना हो, हम कॉपी कैट नहीं है, हम नहीं चाहेंगे एग्जैक्ट वैसा बने, वो जी धीरे धीरे आ जाएगा। और क्रिएटिविटी तो हमेशा लीक से हटके चलती है, वो एग्जैक्ट नहीं होती है। जी तो मैम अगर हम इस स्लाइड पे ध्यान दें जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये गोला है, ठीक है, गोले के अंदर एक छोटा सा डार्क कलर का एक और गोला है जी और उसके बाद बहुत सारी लाइनें हैं। तो ये जो वहां छोटा सा डार्क कलर का गोला है, ये दरअसल जो बस है, ये बच्चे ने बस बनाई है। जी अब आप उसका परसेप्शन सोचे कि बच्चे ने बस कैसे बनाई है। तो दरअसल बच्चा सामने बस को देख रहा है जिसपे एक शीशा होता है, ठीक है, जी जहां ड्राइवर बैठता है उसके ठीक आगे एक शीशा होता है। जी तो इस बस पर एक पत्थर लगा है और वो जो पत्थर का निशान है, जो चोट है, वो बहुत छोटा सा जो काले रंग का गोला है, ये वो है। अब उसका जो शीशा ब्रेक हुआ है, दरार पड़ी है, एक तो गोले के तौर पे पड़ी है और ऐसे बहुत सारी दरारें पड़ गई है। तो ये बच्चे ने एक ऐसी बस का शीशा बनाया है जिस पर पत्थर लगा है और उस पर ये दरार लगी है। अब बताए रक्षित, जब तक हम बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे, ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे ने ये क्या बनाया है। जी मैम हम बड़े इसे समझने में नाकाम हैं, लेकिन बच्चे तो पूरे अर्थ के साथ इसे कह रहे हैं। हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे बच्चे क्या देखते हैं। इस तरह की बहुत सारी स्लाइड्स या हमारे पास सैंपल हैं राइटिंग के, जो हम देख सकते हैं। हम एक बार दोबारा से करते हैं, इसको आगे चलते जी हैं। मैम एक बार ये देख रहे हैं इस आप हाँ जी रक्षित, दिख गया मैम दिख गया मुझे दिख गया। अगली स्लाइड आ अब चुकी है हमारे आप सामने। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आप उसे देखिए, एक स्ट्रिंग है ऊपर से नीचे तक आ रही है और छोटे हाँ छोटे से गोले हैं, ये क्या हो सकता है, ये मैम मीनिंगफुल है? ये हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मुझे इसमें दो तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। जी सीधे में देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये एक पेड़ है हाँ और सिर तिरछा करके देखूं तो लग रहा है कि एक दीवार है जिसके पीछे से लोगों के कतार में खड़े हुए सर दिखाई दे रहे हैं। ये बारिश की बूंदे हैं। अरे वाह और आप अगर गौर से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, बच्चे ने एक नीचे एरो बनाया है, हाँ कि बूंदे ठीक नीचे है, आ रही छोटा सा एरो, हैं। जिसका मतलब बारिश की बूंदे नीचे आ रही हैं, क्योंकि वो एक लड़ी के तौर पर आ रही है, उसने एक डंडी बना दी जल्दी से और फिर छोटी 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 बूंदे बना दी है। तो ये बच्चे की बारिश है। आपके राइट हैंड साइड पर भी ऐसी कुछ आकृतियां उकेरने की कोशिश की है। और अब आप एक खास बात नोटिस करेंगे, बच्चे जी जब कुछ कुछ बना रहे हैं, स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, तो च की आकृति, चो की आकृति, चे की आकृति नजर आ रही है। तो यानी जी कि बच्चे उस स्क्रिबलिंग से अब अक्षर आकृति पर पहुंच रहे हैं। जी ये क्या है, या बता देंगे क्योंकि नीचे लिखा हुआ है चश्मा चश्मा बनाया है। चश्मा कैसे होता है रक्षित, आप कभी गौर से देखिएगा, एक डंडी है बीच में और दो गोले हैं, ठीक है। जी तो बच्चे ने चश्मा बनाने की कोशिश की है। बहुत सारे जी चश्मे हैं, आप में से कोई भी ये ले सकता है। हाँ ठीक ये है मैम बताइए, ये एक बच्ची है सहर, और जब ये नर्सरी में पढ़ती थी तो ये उन्होंने तब बनाया था। तो सहर ने क्या बनाया है, सहर ने गोला बनाया है बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर एक ही आकृति, फिर ऐसे कुछ कुछ बनाने की कोशिश की है। दरअसल ये सहर ने तालाब में मछली बनाई और एक कछुआ बनाया है। अच्छा ये भी सहर ने ही बनाया है। अब आप देखिए कि जब हम बच्चों को कलर्स देते हैं तो वो कलर्स का इस्तेमाल कैसे, उनकी जो हाथ की मूवमेंट्स हैं वो कैसे जाती हैं। तो अगर वो लेफ्ट टू राइट, फिर राइट से नीचे, फिर ऐसे ऐसे आएंगी, तो जब हम लिखना शुरू करते हैं तो फ्री हैंड ड्राइंग पे हम ज्यादा फोकस करें। तो और कलर चॉइस कैसी है बच्चे की, इससे उसके मेंटल स्टेट, उसकी साइकोलॉजी, उसके मन को भी समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। जब बच्चे बहुत ब्राइट कलर्स इस्तेमाल करते हैं तो वे खुश हैं, और जब बच्चे बहुत काले काले कलर्स इस्तेमाल करते हैं जहां काले रंग की जरूरत भी ना हो, तो बच्चे हम मन में दुखी होंगे, ऐसा लगता है। एक बहुत छोटी सी घटना है, जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे थे, जयपुर का बाल भवन है, वहां बच्चों के साथ काम कर रहे थे, एक बार अपनी मैगजीन के लिए कुछ काम देख रहे थे। तो एक लड़का था, हमने कहा कि ठीक है, सब लोग, पिताजी की कोई बात चल रही थी कि कोई कहानी हमने सुनाई थी पिता के बारे में, फिर पिता, अच्छा ठीक है, सब अपने अपने पिता का चित्र बनाइए और उनका नाम लिखिए। तो एक लड़के ने क्या किया रक्षित, कि पिता का चित्र बनाया, ऐसे काले रंग से गोल गोल बनाया और दो हाथ दो पैर बना दिए, जी और उसके बाद उसने काला रंग लिया और ऐसे घिस 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 के पूरा काला कर दिया। तो
मैंने पूछा कि बेटा क्या बनाया है? पिताजी बनाए हैं। देखिए अच्छा आप पिताजी, तो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, तो हाँ दोबारा बनाते हैं। तो मैं खड़ी थी, तो उसने क्या किया कि पन्ने को पलटा और उसपे फिर दोबारा से वो गोला बनाया, फिर हाथ पैर बनाने शुरू किए। और जैसे ही मैं रक्षित थोड़ा सा और आगे गई, उसने उसे भी काला 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 कर दिया। तो मैंने पूछा कि ये किसी और से पूछा मैंने कि अच्छा ये बच्चा ऐसा क्यों बना रहा है। पता चला उसके पिताजी से उसकी नहीं बनती है, उसके पिताजी बहुत कठोर स्वभाव के हैं और वो अक्सर अपने पिताजी को राक्षस कहता है। पिताजी बहुत पिटाई करते हैं, इसलिए बच्चे ऐसे काले रंग से कर देते हैं। तो बच्चे जिस कलर जो कलर बनाते हैं, छोटा साइज बड़ा साइज, ये बहुत कुछ कहता है। तो हम किसी दिन ये सत्र रखेंगे कि बच्चे जो ड्राइंग्स बनाते हैं उनमें उनका मनोविज्ञान कैसे छिपा होता है। जी, तो तो मतलब ये लिखने सूरज की स्टैचू शुरुआत बनाया चित्रों के इन्होंने। जरिए पहले ही शुरू हो जाती है। और मैम, हमारे पास एक दो जो मैसेज आए हैं, मैं जी उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। एक सवाल आया है कि अभी अगर ये वीडियो हमें अपने घर पे किसी को दिखाना हो, कैसे शेयर किया जाए। और एक सवाल ये भी आया है कि डीटीएच में कौन कौन से नंबर पर आता है। तो ये जानकारी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि आप अपने टीवी सेट्स पर किशोर मंच डीटीएच चैनल देख सकते हैं। चैनल नंबर्स हैं डीडी फ्री डिश के लिए 128, टाटा स्काई के लिए 756, एयरटेल पर 440, वीडियोकॉन पर 477, सन डायरेक्ट पर 793 यानी कि 793। और आप हमें जियो टीवी मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। और साथ ही ये यूट्यूब वाला जो आप लाइव वीडियो देख रहे हैं जहां चैट चल रही है, उसे भी आप शेयर बटन दबा करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक, जहां पर भी आपको शेयर करना हो अपने जानने वालों के साथ, शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये डिस्कशन इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप अपने जानने वालों के साथ अभी के अभी ये जानकारी शेयर करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों के लिए ये सारी जानकारी इकट्ठा करें। लिखने से पहले लिखना क्या होता है वो जानें। और हमारी बातचीत चल रही है डॉक्टर उषा शर्मा से, जिन्होंने हमें आज काफी कुछ बताया है, मैंने कुछ लिखा है के बारे में। और इस बात को अब हम जारी रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि बच्चे लिखने से पहले लिखना कैसे सीखते हैं और लिखने की प्रक्रिया उनकी जी कैसे बढ़ती है। देखिए, अगर हम इस चित्र को देखते हैं तो अब आप देखेंगे कि बच्चे ने जो पहले वो बनाते थे, रेखा बनाते थे, गोले बनाते थे, तो उसमें कोई खास आकृति हमें नजर नहीं आती थी। लेकिन ये जो हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं रक्षित, इसमें जी आपको खास आकृति नजर आ रही है, यानी कि गोला है, दो आंखें हैं, फिर ऐसे ऐसे बाल उगे हुए हैं, हाथ पैर बनाए हुए हैं। तो बच्चे पूरी आकृति पर आ गए हैं। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता है और बच्चे खुद ब खुद इस स्टेज पर आते हैं। तो इसलिए माता पिता को, टीचर्स को घबराने की जरूरत नहीं है कि बच्चे अभी लिखना शुरू नहीं कर रहे। बहुत जी जल्दी मैम, लिखने से कोई फायदा नहीं है। मैम मैं और गुजारिश करूंगा टीम से कि हमारा जो ये चित्र है ये हमें फोरफ्रंट पे दिखाई दे, क्योंकि दर्शकों को दिखाई नहीं आ रहा था, अब दिखाई आ रहा है। मैम अब बताइए इस चित्र के बारे में। जी, तो अभी व्यूअर्स हमारे ये चित्र देख रहे हैं, जी तो हमें ये समझने की जरूरत है कि पहले बच्चे सिर्फ रेखाएं बना रहे थे, गोले बना रहे थे, गोले भी पूरी तरह से बंद नहीं थे, थोड़े टूटे फूटे से थे। लेकिन इस चित्र को देखेंगे तो पूरी आकृति हमें नजर आ रही है। बच्चे ने कुछ कुछ बनाने की कोशिश की है, एक गोला है, टी बनाया है, उसमें मछली है, मछली के दो पंख बनाए हैं उसने, फिर एक पेड़ बनाया है, फिर एक बच्चे बनाए हैं, बच्चों के सिर पे बाल बनाए हैं, चाहे वो 3 बाल हो, 4 बाल हो, ठीक है, जी तो बाल बनाए हैं, फिर उसका मुंह बनाया है, दो आंखें बनाई हैं, मुंह भले ही बंद हो गया हो लेकिन मुंह है। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे अब आकृतियों, रेखाएं ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि उसमें आपको पूरी एक आकृति नजर आती है। दक्षित, जी यहीं पर मैं ये भी चाहूंगी इसी स्क्रीन के साथ ये बताना कि जब हम नर्सरी केजी में या बहुत छोटे बच्चे के साथ स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और सर्कल और कर्व ये सिखाने की बात करते हैं, और पूरी पूरी पूरा पूरा पेज भरने के लिए कहते हैं कि स्टैंडिंग लाइन हो, स्लीपिंग लाइन हो, कर्व हो, स्लांटिंग लाइन हो, जी ताकि बच्चे जब लिखना शुरू करेंगे तो फिर उन्हें आकृति बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसी स्लाइड को देखें, इसी चित्र को देखें, तो आपको क्या महसूस होता है कि बच्चे को स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व ये बनाने में दिक्कत है? ऐसा नहीं है। जब हम सिर्फ रेखाएं खींचने की बात करते हैं तो उसमें कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चित्र बना हुआ है, एक उसने गोला बनाया है, फिर बाल बनाए हैं, तो उसमें बहुत सारे जो लाइन है, कर्व है, गोले हैं, तरह तरह के, वो सब खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को इस लाइनों की दुनिया में मत उलझाइएगा, ठीक है? जी, तो उनकी कोशिश कीजिएगा लाइनें कि बच्चे आजाद जितना रहें। बिल्कुल आजाद रहे और फ्री हैंड ड्राइंग्स करें, वो ज्यादा बेहतर है।
नंग, क्या इस चित्र को बनाने वाले का नाम है आपके पास? इस चित्र को बनाने वाले का नाम, सॉरी अक्षत, मेरे पास नहीं है, मैम, क्योंकि लेकिन हमारे ये एक पहली दर्शक क्लास। ने मैसेज किया है, आई ड्रॉ दिस पिक्चर, मैंने बनाई है ये। इनका नाम है सुनील सिंह अच्छा, जी। सुनील सिंह, वे कहाँ रहते हैं? मैम अभी इन्होंने वो लिख करके नहीं भेजा है, लेकिन अगर भेजते हैं तो मैं आपको अच्छा, आगे बताता हूँ। हम अब आगे बढ़ते हैं जरूर। तो ये बच्चे बड़े हो गए होंगे। जी। ये हमारी किताब है, लिखने की शुरुआत, एक संवाद, जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है, पाठ्य किताब है, रेफरेंस बुक है, जिसमें बच्चे लिखना कैसे सीखते हैं उसमें हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी, ये बताइए रक्षित, ये क्या है? ये जरूर किसी ने मम्मी या दादी नानी की फोटो बनाई है, और वो और कहाँ ये है? दरवाजे के बीच में कहीं खड़ी हैं। अभी अभी घर आ रही हैं क्या? मैं नहीं, फेल हो गया फिर आप से। हाँ अगर चौथा देखते हैं तो उसने स्क्वायर बनाया पूरा, फिर आप कोने पे कुछ ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं। ये दरअसल हाँ चारपाई पे मम्मी या दादी लेटी अच्छा हुई है। अच्छा ये मतलब कैमरा का एंगल तो हमने सोचा ही नहीं कि ये दृश्य ऊपर से भी लिया जा रहा हो सकता है, और तो पिंक देखिए कलर बच्चे का जब तकिया भी है उकेरते मैम हैं, पीछे तकिया भी, अब आपको समझ में आ गया। तो ये जी। तो आप तकिया भी देख रहे हैं, दादी जी है जो लेटी हुई है, और ये चारपाई है, चारपाई के पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे ने बनाने की कोशिश की है। तो ये लगता है कि बच्चों को कुछ नहीं आता, उन्हें सीखने की जरूरत है। दरअसल बच्चे अपने मन में जो आता है उसे उकेर देते हैं। समझने की बारी हम बड़ों की है, तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे के मन में जो है वो धीरे धीरे स्क्रीन पे आना शुरू हो जाए। जी ये देखिए एक और चित्र देखिए, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है राइटिंग के लिहाज से। जब हम देवनागरी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ अक्षर बनाते हैं, कुछ आकृति बनाते हैं, और उसके ऊपर हम एक लाइन डालते हैं जिसे हम कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है, तो बच्चे ने यहाँ क्या किया है, बच्चे ने कुछ आकृति बनाई, फिर शिरोरेखा, फिर आकृति बनाई, फिर शिरोरेखा। तो ये राइटिंग का एक प्रोसेस है, एक इंडिकेटर है कि बच्चे राइटिंग में शामिल है। यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चे को लिखना नहीं आता। जैसे रीडिंग बिहेवियर की बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, कि आई मूवमेंट है उसकी, कि लेफ्ट टू राइट चलती है, टॉप टू बॉटम चलती है, पेज को पलटते हैं, या फिर उंगली रखकर कुछ देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इसमें भी लेखन की बहुत सारी बारीकियां शामिल है, कि जब देवनागरी लिखते हैं तो ऊपर एक लाइन होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं, तो उसके नीचे ही अक्षर लिखे जाते हैं। तो उसने ये बनाने की कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि बच्चे लिखना सीख रहे हैं। अब देखिए, अब तक हमने जितने सैंपल देखे रक्षित, उसके बाद हम बच्चे से अपनी अपनी स्कूल में अक्सर क्या करवाते हैं। ये पहली क्लास जी के बच्चे की कॉपी है, और देखिए टीचर अ आ ई ई और ये सब सिखा रहे हैं, फिर क से ज्ञ तक सिखा रहे हैं। यही क्लास में होता है, यही होमवर्क में होता है, यही पूरी कॉपी के पन्ने भर जाते हैं। तो जी हम दरअसल बच्चों की जो भाषा की क्षमताएं हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, कि बच्चे इतना सब कुछ बना सकते हैं। हम उनके बारे में बात तो करें, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन्हें क ख ग में उलझा देते हैं। इसके बाद हम अपनी अंतिम स्लाइड देखते हैं। देखिए ये लक्ष्य, ये बहुत मजेदार बात है और समझने वाली बात है बड़ों के लिए। जी जिस बच्चे ने अ आ क से ज्ञ तक बनाया है, ये हाँ उसी बच्चे की कॉपी है, ये उसका अगला पन्ना है। सोचिए, अच्छा एक टीचर जब वो क ख ग में उलझाती है बच्चों को, और एक एक बच्चा जो बहुत सारे शब्द भी लिख सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने अनुस्वार, ये हम जो अनुस्वार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भारी भरकम सा शब्द है, तो बच्चे ने जिस बिंदी का इस्तेमाल या बिंदु का अनुस्वार का इस्तेमाल किया है, चाहे वो नंदनी है, अंजलि है, और जंगल है, मंजिल है, मंदिर जी है, तो नंदनी अंजलि तो उसके क्लास के ही बच्चे हैं, जी तो बच्चे ये लिख लेते हैं। भले ही वे अभी अनुस्वार की पूरी तरह से जानकारी न रखते हो, लेकिन हम जब कुछ उन्हें समझाते हैं, बातचीत होती है, शब्दों के इर्द गिर्द साउंड्स पर हम जब उनका ध्यान दिलाते हैं, वो साउंड लिखी कैसे जाती है, वो साउंड का प्लेसमेंट कैसे होता है, तो बच्चे ये काम भी करना सीख जाते हैं। जी और मैम बच्चे ने ये बनाया है, ये नंदिनी की ही कॉपी है, और नंदिनी ने खुद को शाबाश भी दिया है। तो वाह बच्चे इस तरह से लिखना सीख जाते हैं। जी मैम, जी तो मैम ये एक खुशी का, मुझे सुकून का इसमें एहसास हो रहा है कि बच्चे ने जो काम किया है और उसके बाद उसको जो जॉय और प्राइड इसमें महसूस हो रहा है, गर्व जो उसे दिखाई दे रहा है, वो खुशी इस बच्चे के चित्र में भी झलक रही है कि वो किस तरह से मुस्कुरा रही है। ये जी जॉय बना रहे बच्चों में।
अब बहुत मैम अच्छी बात है रक्षित कि आपने अब बच्चों की ड्राइंग को पहचानना सीख लिया। अभी हम जिस खुशी की बात कर रहे थे, देखिए आपकी लर्निंग कितनी जल्दी हुई है जी ना, मैम तो ऐसे ही बच्चे भी सीख जाते हैं, बच्चे सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। और जी राइटिंग के प्रोसेस में ये समझना या किसी भी सीखने के प्रोसेस के लिए समझना जरूरी होगा कि बच्चे सीखने के हर पड़ाव को पार करते 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 अगली मंजिल तक पहुंचते हैं। अंतिम मंजिल मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ये जी सीखना तो कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल मैम लेकिन वे अगली मंजिल, फिर उसके बाद एक और मंजिल, तो धीरे धीरे बहुत सारे वो स्टेप्स पूरे करते हैं, चरणों को पूरा करते हुए धीरे धीरे अपने लेखन में परिपक्वता लाते हैं। मैम अब हमारे पास में एक मैसेज भी आया है जिसमें कहा गया है कि ये सेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बेस्ट एवर, सो मच इन्फॉर्मेटिव। और उसके बाद एक सवाल भी है कि मात्राएं किस तरह से इसमें हम ऐड करना शुरू करें, क्योंकि आपने अभी बताया कि बच्चा अगर चाह ही लिखता है, ह के बाद आ की मात्रा तो वो कॉपी कर लेता है क्योंकि जी आपने लिखा था, लेकिन छोटी मात्राएं जो होती हैं, जो छोटे चिन्ह होते हैं, उनको बच्चा देखना और कॉपी करना नहीं सीख पाता है। तो ये किस एज में, किस क्लास में शुरू हो, और अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसे किस तरह से शुरू कराया जाए मात्रा लिखना? देखिए, आप ये मत सोचिए कि बच्चा अभी मात्रा नहीं जानता है या फिर अक्षर नहीं जानता है। कोई एक शब्द जब अपनी पूर्णता में बोला जाता है, अपनी पूर्णता में लिखा जाता है, तो बच्चे साउंड्स के साथ उसे एसोसिएट करना शुरू कर लेते हैं। और रक्षित, हमें ये भी समझना बहुत जरूरी होगा कि अलग अलग भाषाओं की जो लेखन की शैली है या उनको जी लिखने का जो स्टाइल है या उनकी जो लिखने की विशेषताएं हैं या लिपि की विशेषताएं हैं, वे अलग अलग हैं। हम जब देवनागरी लिखते हैं तो हम दो आवाजों को मिलाकर लिखते हैं। जैसे हमने बोला का, ठीक जी है, और हमने क में आ की मात्रा लगा दी, तो या ये स्क्रीन पर अगर हम देखें शाबाश लिखा हुआ है, तो फिर जी हमने शाह में एक और डंडा लगाया, शाह लिखा, बाश, ठीक है, ये पूरा लिखा शाबाश। जी तो बच्चे धीरे धीरे समझ जाते हैं कि शाह की जो साउंड है या बा की जो साउंड है वह ऐसे लिखी जाती है, यानी कि पहले हम ब बनाते हैं फिर एक डंडा लगा दे, तो ये पूरी साउंड कहलाती है बा। ठीक, अब हम रोमन पे पहुंचते हैं, तो रोमन में क्या है, रोमन में मर्ज नहीं होती है चीजें, साउंड्स मर्ज नहीं होती हैं, वे अलग अलग लिखी जाती हैं। यानी कि हमें बा लिखना है, मान लीजिए कि हम हिंदी का शब्द है बाल और उसे रोमन में लिखना चाहते हैं, तो हम पहले बी बनाएंगे फिर ए बनाएंगे, या कुछ लोग ए बना सकते हैं फिर एल लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो ब और आ की साउंड है वो अलग अलग है, वो ब्लेंडेड मोड में नहीं है। तो जी जब देवनागरी लिखते हैं तो वो ब्लेंडेड मोड में आता है कि बा की साउंड में ब आ मिक्स हो जाता है, जबकि आ अपने तरफ से अलग से भी आ सकता है, चाहे वो आना है या आग है या आई है, तो उसमें आ अलग तरीके से लिखा जाता है। तो कोई एक व्यंजन या एक जो स्वर है, हम स्वरों की बात करेंगे पहले, जी कोई एक स्वर अपने मूल रूप में भी आता है और अपनी मात्रा के तौर पर भी आता है, तो बच्चे धीरे धीरे ये सीख जाते हैं कि ये बा है, ये बल है, ये शा है, ये शल है, ये शाख है, ये शलगम है, ये शहद है, तो धीरे धीरे वे जान जाते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जब हम इसे और स्ट्रेंथन करना चाहें तो फिर हम ऐसे बहुत सारे शब्दों या ध्वनियों के खेल की बात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम बच्चे से बोलते हैं, अच्छा देखिए इसमें ऐसे शब्द मैं बोलूंगी और आप मुझे बताइएगा कि इसमें हमें आ की आवाज सुनाई देती है कि नहीं, तो ठीक हमने है मैम, कहा मैं ये बार। दर्शकों से भी कहूंगा कि वो इस खेल में हिस्सा लें और मात्राओं के बारे में बताएं। जी, तो हमने कहा कि आप, मैं कुछ शब्द कहूंगी, अगर उसमें आपको आ की साउंड आती है तो आप एक अंगूठा दिखा दीजिएगा, और अगर नहीं आती है तो फिर ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने कहा बाल, तो बच्चा अब साउंड पे ध्यान दे रहा है, बाल, तो उसने कहा, ठीक। और हमने कहा कि बल, उसने कहा, यानी कि वो आवाज नहीं है। नहीं तो है धीरे धीरे ये जो आवाज का खेल है, जब हम ये खेल सकते हैं तो बच्चे ये जान जाते हैं, ये एक्वायर कर लेते हैं कॉम्पिटेंसी कि कहाँ जब आ की साउंड आती है तो वो लिखा कैसे जाता है। तो रक्षित, जो हम बोल रहे हैं पहले उन उस बोली हुई बात को लिखा हुआ दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि जो हम आवाज सुन रहे हैं वो लिखी कैसे जाती है उसके बीच हम कनेक्शन बिठा सके। तो बल भी हमने दिखाया, तो जब हम बल बोल रहे हैं तो बल कैसे लिखा जाता है, वो जो सुन रहा है और वो जो देख रहा है उसके बीच में वो कनेक्शन बनाना शुरू करता है। तो ऐसे आप मात्राएं भी बच्चे सीख सकते हैं। आप एक मिनी लेसन या एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं अपनी क्लास में, अपने या अपने घर में बच्चों के साथ, कि इस तरह के शब्द लेके आए जिसमें आ की मात्रा है और नहीं है, तो
तो बच्चे डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देंगे। ऐसे आप ए की मात्रा, ए की मात्रा, ये सब काम शुरू कर सकते हैं। और एक बहुत छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगी अपने व्यूवर्स के साथ। देखिए, देवनागरी लिपि में जब हम र में उ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो आम तौर पे जिस तरह से उ की मात्रा होती है, जैसे हमारे पास शब्द है सूखा, तो हम स में उ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है, और हम जब लिखते हैं सूखा तो हम फिर ऐसे मात्रा लगाते हैं। लेकिन जब हम र में ये काम करते हैं तो वो नीचे से नहीं लगाते। जब बच्चे र में उ लगाने की मात्रा का काम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ही देखेंगे कि बच्चे ने पहले र बनाया और फिर उसे लिखना है रुक, ठीक है, तो उसने पहले र बनाया, फिर नीचे उसने उ की मात्रा लगा दी र के नीचे। जी, ये जी, आएगा ही आएगा। तो फिर आप उसे जब लिखा हुआ दिखाते कि देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर वो र के पीछे लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब बच्चे र के नीचे उ की मात्रा लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल, यानी कि जैसे उसने आमतौर पर उ की मात्रा लगी हुई देखी है वैसे र के नीचे भी लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये बार बार र में उ कैसे लगता है, रुक है, रुमाल है, रुकना है, गुरु है, अरुण है, करुणा है, या जरूर है, तो ठीक, तो ऐसे, या शुरुआत है, तो जब ये ऐसे शब्द बार बार लिखे हुए देखते हैं तो धीरे 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 वे ऐसी आकृतियां बनाना शुरू कर देते हैं। बच्चे अब जो लिखते हैं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी आप स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, क्योंकि हमारे पास में एक नन्नी सी जो लर्नर है अलीजा, वो लाइव रहती है, रोज हमारे साथ जुड़ती है, और उसने हमें एक फोटो भी भेजी है अपनी कृति की हाथों हाथ, तो मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए आप स्क्रीन के टॉप पे जाके जी मैम ऑफ कीजिए, और साथ के साथ तब तक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जब तक मैं वो पिक्चर खोलूं। सवाल ये है मैम कि बच्चों को स्कूल में डालने की उम्र इस बेसिस पे कैसे डिसाइड करें जब घर पे पेरेंट्स खुद जानते हो कि अभी तो 2-2.5 साल का ही बच्चा है, अभी तो इसने लिखने के नाम पे, वैसे जैसे आपने चित्र बताए वही चित्र सीखे हैं, कुछ लिखना नहीं सीखा है, और स्कूल में जाकर के अगर वो 2.5 साल 3 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिशन देखता है कि कुछ एक बच्चों को तो लिखना आता है और कुछ को नहीं आता है, तो क्या ये उसके लिए सही है? क्या उम्र होनी चाहिए स्कूल जाने की और स्कूल से पहले की तैयारी होने की? हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा रक्षित कि लिखने की तैयारी और लिखना ये दो अलग चीजें, अलग चीजें तो है, लेकिन ये हम लिखने की तैयारी में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि बच्चे चित्र बना रहे हैं तो चित्र बनाने का मतलब है कि वो लिखने के प्रोसेस में शामिल हो गए, यानी कि वो लिख रहे हैं। तो अगर चित्र बनाना लिखना है क्योंकि वो एक मतलब, एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, यानी कि बच्चे के दिमाग में जो कुछ है, जो कुछ वो कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसने वो चित्र बना दिया। तो हो सकता है कि जब हम राइटिंग सीखना शुरू करते हैं या राइटिंग के प्रोसेस में शामिल होते हैं तो हम इनिशियल स्टेज पर की रंग काटे स्क्रिबलिंग से शुरू करते हैं, फिर कुछ चित्र बनने लगते हैं, फिर हम कुछ शब्द लिखने लगते हैं, फिर हम वाक्य लिखने लगते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम एक शब्द के जरिए बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं एक पदीय वाक्य, ठीक है। बच्चे ऐसा अक्सर बोलते भी हैं, तो जैसे वे बोलते हैं वैसे वे लिखना भी शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी अगर आप राइटिंग के प्रोसेस में बच्चों को शामिल करेंगे, कन्वेंशनल राइटिंग यानी कि जिस तरह से लिखा जाता है किताबें में, जिस तरह से लिखा होता है कहानी की किताब में जो लिखा होता है, जिसे हम कन्वेंशनल राइटिंग कहते हैं, अगर आप यहाँ तक बहुत जल्दी से शुरुआत कर देंगे तो बच्चे अपना इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे। जो मैम सीखने का, लिखने का जो जॉय होता है, जो आपने आज दिखाया कितने मजे से, हमारे बड़े दर्शकों ने भी देखा है और साथ के साथ जवाब भी दिए कि हाँ हमने ऐसा किया है अपनी जिंदगी में, दीवारों पर चित्र उकेरे हैं और हमारे लिए उनका कुछ मतलब होता था, चाहे दूसरों के लिए हो ना हो, और हम मजे से उस लिखने को सीखते थे, न कि लिखने से नफरत करने लगते थे कि ये तो डरावनी चीज है, मुझे नंबर नहीं मिलेंगे और मात्राएं गलत हो जाएंगी, वो सारे भय दूर हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारी जो दर्शक हैं अलीजा खान, इनका ये चित्र मैम, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? ये अलीजा ने हमें फोटो भेजी है COVID-19 के बारे में। ग्रेट। और उन्होंने बोला कि रक्षित भैया हमारे जो चित्र मैंने आपको भेजा है ईमेल पे वो दिखाइए। ये है अलीजा और ये इनका चित्र, इतनी प्यारी बच्ची है, देखिए मासूम सी बच्ची, और कितना मासूम लिखा है, बनाया है मैम, देखिए जी लिखा है COVID-19 मेड बाय अलीजा खान Class 4, वॉश हैंड्स फॉर 20 seconds, पुट मास्क ऑन योर फेस, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और धरती का चित्र बनाया है, अर्थ का चित्र बनाया है।
हैंडशेक, हाँ, डोंट हैंडशेक, ओनली ओनली स्टे नमस्ते, होम, ओनली नमस्ते, स्टे होम, स्टे सेफ। और हार्ट, दिल। हाँ जी मैम, तो ये बहुत ही सुंदर रचना अलीजा ने हमें यहाँ पर भेजी है, और आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं अलीजा, और हमारे कई सारे दर्शक हैं, शीतल जी हैं, मार्शल जी हैं, सुनील जी हैं, जो पूरे सेशन में लगातार ढेर सारे कमेंट्स हमें भेज रहे थे और कह रहे थे कि मैम इस बारे में भी बताइए कि बच्चा अगर उल्टा लिखना चाहता है अक्षर, जैसे हम ह लिखते हैं इस दिशा में बनाते हैं, अगर बच्चा इस दिशा में बना रहा है, या यूं समझिए कि शिरोरेखा से विपरीत उल्टा बना रहा है ऊपर नीचे में, तो उसको किस तरह से सीधा कराया जाए? पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये राइटिंग सीखना यानी कि लिखना सीखने के प्रोसेस का एक पड़ाव है। तो कई बच्चे मिरर इमेज बनाते हैं, ये हम इसे कहते हैं मिरर इमेज। ठीक, तो ये मिरर इमेज कुछ बच्चे बनाते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत है और ना ही बच्चों को परेशान करने की जरूरत है कि तुमने क्या बना दिया है। तो ये अननेसेसरी अपनी जो टेंशन है वो बच्चे पे शिफ्ट मत कीजिएगा। बच्चे धीरे धीरे वे सीधी इमेज बनाना भी शुरू कर लेंगे। तो अगर हम देखते कि बच्चा इसे उल्टा बना रहा है यानी कि उसने अ ऐसे बनाना था, ठीक है, तो अब उसने ऐसे बनाना शुरू किया है, 3 का 6, 6 का 3 किया है, ठीक है, जी 3 ऐसे था और 6 ऐसे था, तो 3 का 6 और 6 का 3 बनाया है यानी कि मिरर इमेज अगर बच्चे ने बनाई है, तो फिर हम ऐसे बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज कर सकते हैं जहां बच्चे को वह आकृति बार बार बनाने की जरूरत पड़े और बदल बदल कर जरूरत पड़े। जरूरी नहीं होगा कि अगर अ को उल्टा बनाया है, मिरर इमेज बनाई है, तो सिर्फ हम अ पे ही फोकस करें। हम एक खेल खेल सकते हैं कि चलो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 तरह से बना के दिखाते हैं और आप उसे मिरर के सामने ये इमेज दिखाइए, ठीक है, तो उसने कॉपी जी पे बनाया, फिर उसे आप शीशे पे दिखाइए, देखो ये कैसे दिखता है। तो हम ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे मिरर इमेज भी बनाते हैं, और धीरे धीरे जब आप राइटिंग में उसे शामिल करते चले जाएंगे तो खुद ब खुद धीरे धीरे बच्चे सीधा बनाना शुरू कर लेंगे। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जब बच्चे अंग्रेजी लिखना सीखते हैं और बी और डी स्मॉल लेटर्स सीखते हैं, तो बच्चे अक्सर ये बनाते हैं, और प जब बनाते हैं या पी बनाते हैं हिंदी में, तो या इंग्लिश में जब वो पी बनाते हैं और हिंदी में प लिखते हैं, तो भी वो मिरर जो इमेज है वो मिरर इमेज हो सकती है। तो जी घबराइए मत, वैसा आप उन्हें बार बार लिखा हुआ दिखाइए, वे सही हो करना शुरू कर देंगे। उनके साथ बैठिए और उन्हें बताइए कि अच्छा हम ये ऐसे बनाएंगे, तो ये तो बन गया बी और ये बना डी, तो ये बी है और ये डी है, तो हमने कहा और हमने दिखाया, तो ये जो साउंड सिंबल एसोसिएशन है इसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो मैम घबराइए नहीं। आपने एक बहुत अच्छी बात अभी बता दी है कि बच्चे इस चीज को सुधार सकते हैं, वरना अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं या टीचर्स जो होते हैं वो इस गलती को आमतौर पर डिसलेक्सिया जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से जोड़ लेते हैं कि बच्चा अगर उल्टा जी लिख रहा है तो इसका मतलब सीधे बच्चे को डिसलेक्सिया है। क्या ये बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है, और ये जो विकास आपने सुधार जो बताया है ये बहुत आसानी से हो जाता है अक्सर? जी देखिए रक्षित, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, डिसलेक्सिया। जी डिसलेक्सिया दरअसल पढ़ने में जो बच्चे कठिनाई अनुभव करते हैं उसका नाम है डिसलेक्सिया। जब बच्चे लिखने में दिक्कत महसूस करते हैं, जो बहुत एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हम कहते हैं डिसग्राफिया, जो ग्राफिक से बना है यानी कि जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जब बच्चे लिखते हैं तो वो एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो जो डिसग्राफिया है वहां बच्चे की राइटिंग में आप वो कुछ खास तरह का डेविएशन देख सकते हैं, यानी कि जो कन्वेंशनल राइटिंग है उससे अलग हटकर बच्चे लिखते हैं, तो वो डिसग्राफिया है। रक्षित, अगर हम बच्चों के लेखन पे ध्यान देंगे ना, तो हमें लगता है कि जो बच्चे जब यहां से लिखना शुरू करते हैं कि उनका जो मार्जिन है, अगर वो मार्जिन धीरे 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 बढ़ रहा है या वो मार्जिन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये एक खास इंडिकेटर है कि बच्चे की राइटिंग में अभी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक जी है। लेकिन अगर ये बिहेवियर बहुत फ्रीक्वेंट है और बच्चे हमेशा ही ऐसा करते हैं, तो हम ध्यान देंगे। और ये देखना पड़ेगा कि उस बच्चे की उम्र क्या है। दूसरा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब ये लिखना शुरू करते हैं तो कोई एक शब्द लिखना है, तो उस शब्द का एक अक्षर तो बहुत बड़ा बनाया और एक अक्षर छोटा बनाया। मान लीजिए उन्हें लिखना है रक्षित, तो उन्होंने र तो बहुत बड़ा बना दिया और फिर ही की मात्रा छोटी सी, और फिर क्ष तो बनाया ही नहीं गया और त हाँ बहुत छोटा सा बनाया। तो ये जो लेटर्स का जो शेप है वो बताता है कि बच्चे को राइटिंग में कहाँ प्रॉब्लम है। तो और जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो शब्द में 2 अक्षरों के बीच में हम अक्सर समान
जगह छोड़ते हैं, स्पेस होता है, तो ये भी देखने की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी चीजें होंगी तो हम इन पे ध्यान देंगे, लेकिन ये जी हो हाँ जाएगा, ये ऐसी चीज परमानेंट नहीं वाली नहीं है। हाँ, अगर कई बार ऐसा होता है, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है वो ये जी बताती है कि जब बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, ब्रेन के कुछ खास हिस्से होते हैं जो हमारे भाषा के लिए उत्तरदायी हैं, जी फ्रंटल लोब है और टेम्पोरल लोब है, ऑसिपिटल लोब यहाँ से हम देखते हैं, या एग्जर्स का राइटिंग सेंटर है, तो ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है वो बताती है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है। अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई शॉक लगा है, कोई चोट लगी है, तो ये जो सिम्टम्स हैं या जो लिखने के तरीके हैं या जिस तरह से बच्चे लिख रहे हैं, ये परमानेंटली होते हैं। मतलब हमें ज्यादा ये लक्षण दिखाई देते हैं तब हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर लेकिन बच्चे का कोई दिक्कत नहीं है ब्रेन में, या कभी चोट नहीं लगी और बच्चे ऐसा शो कर रहे हैं, तो ये मान के चले कि लिखना सीखने के प्रोसेस में वो है, और ये एक पड़ाव है, वो आएगा, तो कोई हाँ, तो घबराने मैम वाली बात हम इस नहीं। डिसलेक्सिया की बात को अधूरा ज्ञान लेकर के ना चलें। जिस तरह से हम कभी भी कोई सिम्टम देखते हैं कि अरे खांसी छींक आ रही है, हम जाकर के इंटरनेट पे देखते हैं और हम 50 बीमारियों को अपने आप से रिलेट करने लगते हैं कि अरे हमें तो ये भी हो जी सकता है। इसलिए बच्चों हाँ की आम गलतियों को, जो स्वाभाविक है उनकी उम्र के अनुसार, उनको किसी बड़ी चीज से, किसी बड़ी समस्या से हम सीधे ही कनेक्ट ना करें। और अगर वो समस्या है भी तो वो उम्र के साथ, प्रैक्टिस के साथ हल की जा सकती है। आपने ये बहुत अच्छे से हमें बताया। मैं दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप हमें कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल आज के सेशन में हमें आए हैं बताने के बावजूद, जिन्होंने देर से हमें ज्वाइन किया और बहुत इंजॉय किया, तो उनको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि अगर आप YouTube लाइव पर हमें कॉमेंट करके सवाल पूछ ही रहे हैं तो लाइव तो आप देख रहे हैं, उसे भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, लाइव होने के बाद ये वीडियो थोड़ी ही देर में अपलोड भी हो जाता है, जिसे आप चाहें जितनी बार बाद में देख सकते हैं। अपने कमेंट वहां भी छोड़ सकते हैं मैम के लिए, ताकि अगली बार हम उन कमेंट्स, उन सवालों के जरिए भी बात आगे बढ़ा सकें। बात रही अभी आपके पिछले सवाल की, जो लर्निंग डिसऑर्डर से जुड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर हम कभी और कोई कार्यक्रम लेकर के जरूर आएंगे। और अब बताता हूँ कि आप टीवी पर हमें कहाँ कहाँ देख सकते हैं। अपने टीवी सेट्स पर आप हमें किशोर मंच के डीटीएच चैनल पर देख सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा डीडी फ्रेश फ्री डिश के लिए 128 नंबर पर, टाटा स्काई के लिए 756 पर, एयरटेल पर 440 पर और वीडियोकॉन पर 477 पर, सन डायरेक्ट पर 793 पर यानी 793 पर, और आप हमें जियो टीवी की मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। तो जिस तरह से अलीजा ने आज हमें एक बहुत अच्छी रचना आप भेजी, और ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि लाइव में आपने भेजा और लाइव में ही शेयर हो गया। अभी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है चैट में वो। तो आप भी यही काम कर सकते हैं हमारे दर्शकों, CIET.KishoreManch@gmail.com पर अपनी रचनाएं, अपनी कलाकृतियां, जो भी हो। जैसा आपने देखा ना, आज मैम ने दिखाया कि बच्चों ने सिर्फ लाइनें बना रखी थी वो तक भेज दिया, और हमने उसे अप्रिशिएट किया, हमने मिलकर उसे एंजॉय किया। वो आप हमें जरूर भेजिए ताकि हम उसे शामिल करें। और आप YouTube लाइव पर इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। मैम आज आप हमारे साथ जुड़े, आज आप हमने बताया कि मैंने भी कुछ लिखा है, आपने भी कुछ लिखा है, और दर्शकों ने भी कुछ लिखा है, और किस तरह से उसे लिखना सीखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। और दर्शकों, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। अब आपसे विदा लेंगे, थोड़ी ही देर में आपके लिए लेकर के आएंगे इंग्लिश का एक कार्यक्रम, ग्रीटिंग्स एंड पोलाइट एक्सप्रेशंस के बारे में, प्राइमरी लर्नर्स के लिए, क्लास 1 के लर्नर्स के लिए, और उसके बाद में मैथ्स का एक सेशन होगा क्लास 4 के लिए, लंबाई और दूरी का अनुमान और मापन। आप देख रहे हैं किशोर मंच।